आज मैं इनका लोटस पर फेशियल करने जा रही हूँ। इनका स्किन बहुत ऑयली है और ब्लैक हेड्स नोज पे बहुत ज़्यादा है। दिखाइए जरा कैमरा पास में करके, ये देखिए कितना ज़्यादा ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं। अब तक इनके फेस पे सर्कुलेशन मोड में मसाज दिया है ताकि इनकी गंदगी रिमूव हो जाए, इनका स्किन क्लियर हो जाए। और इसको मैं अब इसको वाइप कर रही हूँ। फिंगर को टिश्यू पेपर में ऐसे लपेट लीजिए और उसके बाद इसको अपवर्ड तरीके से पूरे क्लिनजिंग को साफ करिए। देखिए कितनी गंदगी आ रही है। अभी इनकी क्लिनजिंग पूरी नहीं हुई है, अभी मैंने क्लिनजिंग बस ऐसे गंदगी रिमूव करने के लिए किया। क्लिनजर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम क्लिनजर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो हमारे पोर्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं, और जब हम स्क्रब करते हैं, मसाज करते हैं, तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा मिलता है। तो अभी तो मैंने इनकी गंदगी को थोड़ा रिमूव कर दिया, अब ये डीप क्लिनजिंग करेगा। स्क्रब कर रही हूँ, ये जेल फॉर्म में है स्क्रब। अभी इनका स्क्रब करते समय ओनली मैं 2 से 3 स्टेप ही करूँगी और लगभग 5 से 6 मिनट तक मैं इनका स्क्रब करूँगी। मैं आपको उतनी देर तक का वीडियो तो नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बीच में आपको फास्ट करके भी मैं दिखाऊँगी। मेन पार्ट्स आप लोग को दिखा दे रहे हैं। टाइट करते हैं, बंद नहीं, बंद ऐसे देखते। ये स्क्रबर मशीन है और इसको नोज पे करने से हाथ से तो जितना भी स्टेप दिया काम करेगा ही, लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इससे छोटे छोटे ब्लैक हेड्स खुद से ही रिमूव हो जाते हैं। मैंने स्ट्रीजेंट लिया है तो उसको पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद फिर मैं निकाल रही हूँ। मैंने अपने हाथ को भी सैनिटाइज कर लिया था।
बोल पिछले का फोन कर वैसे दिए हैं अभी मैं इनका मसाज दे रही हूँ, लगभग 15 मिनट तक मसाज दूंगी, स्लो मोशन में, फास्ट मोशन में, जैसे प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर देना, ये सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए मसाज दे रही हूँ मैं। ये लास्ट स्टेप है, लास्ट इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद पैक को रिमूव करने के बाद सीरम लगाना है, तो वो लास्ट स्टेप होगा। ये आपका 5th स्टेप है।